सभी का इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शावनी भटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। एटा से अहम जानकारी, एसडीएम सदर के आवास पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम के ड्राइवर और अर्दली के बीच रुपए लेन देन का वीडियो है। ये रुपए किस मामले में लिए गए फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री ने कार्रवाई कर दोनों को हटा दिया है। नायब तहसीलदार को 15 दिनों रिपोर्ट के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री ने ये बड़ी कार्रवाई कर दोनों को हटा दिया है। तो रिश्वत लेने का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी, वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर एसडीएम सदर के आवास पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम के ड्राइवर और अर्दली के बीच रुपए लेन देन का वीडियो वायरल हो रहा है। रुपए किस मामले में लिया जा रहा है फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, साफ नहीं हो पाया है। तो एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री ने कार्रवाई कर दोनों को हटा दिया है। नायब तहसीलदार को 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह अवैध वसूली का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। एसडीएम के ड्राइवर और अर्दली के बीच रुपए लेन देन का पूरा वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पैसों का लेन देन किया जा रहा है। अवैध वसूली का ये पूरा कारनामा जो है, पूरा मामला जो है वो कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो एटा का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम सदर के आवास पर अवैध वसूली का ये वीडियो है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं एसडीएम के ड्राइवर और अर्दली के बीच रुपए लेन देन के लेकर बातचीत चल रही है, रुपए लेन देन हो रहे हैं। हालांकि किस मामले में रुपए लिया जा रहा है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रविकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस मामले पर रुपए को लेन देन हो रहा था, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है अभी? जी, आपको बता दें, एसडीएम सदर के आवास पर बना अवैध वसूली का अड्डा, वहां पर एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री के द्वारा रात में चल रही थी गिट्टी चंबल के ट्रकों की जाती थी चेकिंग। चेकिंग पर नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था। सरकार की जीरो टैलेंट की नीति का ब्रश करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगा रहे हैं चूना। एसडीएम और उनका स्टाफ ट्रक ड्राइवर पर रुपए ना होने पर ट्रक के रख लेते थे। पेपर और रुपए मिलने के बाद होती थी ट्रक और पेपर की फाइल वापिस। ये जो ट्रक वगैरह चलते थे अवैध वगैरह ट्रक, जिनको वो पेपर वगैरह ले लेते ये। तो ये एसडीएम की आवाज पर जो अर्दली है उनसे वहां पर आकर पैसे वगैरह लेते थे और आवाज पर पैसे वगैरह लिए गए थे। जी बिल्कुल रविकांत, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एसडीएम आवास के सामने जो ड्राइवर और अर्दली उन दोनों के बीच में लेन देन का काम चल रहा है, क्या ये एसडीएम के संज्ञान में पहले से नहीं था? जी, आपको बता दें, इस मामले में कुछ कह नहीं सकते कि एसडीएम का, जब मैंने बात की तो एसडीएम से, तो एसडीएम मना कर रहे थे कि मेरे इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है। और जैसे इनको मालूम पड़ा वीडियो में देखकर, तो उन्होंने दोनों को हटा दिया, कार मुक्त कर दिया है और इनके ऊपर 15 दिन के अंदर तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल रविकांत, इस तरीके की घटनाएं जो है कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या एसडीएम से अगर बातचीत हो पाई है, क्या एसडीएम ने ऐसा कोई मामला आगे ना हो, दोबारा इस चीज की, इस तरीके के काम ना हो, इसको लेकर कोई कार्रवाई की है? जी हाँ, मैं आपको बता दें, जिस तरह से एसडीएम ने जब मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह की कोई अगर हरकत पाई जाती है, अगर आगे भविष्य में उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल रविकांत, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।